अब बफर सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन विच अपोज़ेस और रजिस चेंज इन पी एच ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस इन टू इट हम अगर किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड को या बेस को मिलाते हैं तो वो पी एच में आने वाले चेंज का बच्चों विरोध करता है उसका प्रतिरोध करता है उसका अपोजिशन करता है और जितना ज़्यादा अपोजिशन करेगा पी एच में चेंज उतना कम आएगा वो उतना बेहतर बफर सॉल्यूशन कहलाएगा मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चों किसी भी बफर सॉल्यूशन की जो बफर कैपेसिटी है बफर कैपेसिटी मतलब पीएच में आने वाले चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी बफर कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी एंड नेचुरली बच्चों इट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन पीएच भाई अगर पीएच में चेंज कम आ रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर बफर सॉल्यूशन है उसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा है सो दिस बफर कैपेसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन पी ये किसके इनवर्सली पोर्सल होगी बच्चों ये चेंज इन पी के इनवर्सली पोर्सन होगी अगर पी में चेंज कम आता है तो बफर कैपेसिटी ज़्यादा और अगर पी में चेंज ज़्यादा आता है तो बफर कैपेसिटी कम सो so, एक बात आप सर्टरली समझ सकते हैं कि हाँ साहब बफर कैपेसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू

उसके एक लीटर में उसके एक लीटर में हमने एसिड या बेस के कितने मोल घोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन एक लीटर बफर सॉल्यूशन में आपने एसिड या बेस के कितने मोल घोले और अपॉन में क्या कर दिया बच्चों अपान में हमने चेंज इन पीएच लिखा अपॉन में हमने बच्चों चेंज इन पीएच लिखा इन दोनों का जो रेशो होता दैट यू कॉल एज बफर कैपेसिटी ऑब्वियस सी बात है वो अगर पीएच में चेंज कम आ रहा है मतलब उसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा है और पी एच में चेंज अगर ज़्यादा आ रहा है मतलब उसकी बफर कैपेसिटी कम है भाई तो बफर कैपेसिटी इज सिंपली द रेस्ट्रिक्टिंग टेंडेंसी द रजिस्टिंग टेंडेंसी द प्रिवेंशन टेंडेंसी ऑफ चेंज इन पी एच पी एच में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके उसको अपोज करने की उसको रजिस्ट करने की जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी को हम बच्चों बोला करते हैं बफर कैपेसिटी एंड इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन एक लीटर बफर सॉल्यूशन में एक लीटर बफर सॉल्यूशन में आपने एसिड या बेस के कितने मोल घोले अपॉन चेंज इन पीएच इससे हम बोला करते हैं बच्चों बफर कैपेसिटी न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक सिंपल सा आ, हमारा और क्लियर हो जाएगा बच्चों चलिए हमें यह बोल रखा है बच्चों कि किसी बफर सॉल्यूशन के 250 मिलीलीटर में किसी बफर सॉल्यूशन के बच्चों 250 मिलीलीटर में मैंने जब वन मोल एस का घोला

आपको यहां पर क्या लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन एक लीटर बफर सॉल्यूशन में आपने कितना मोल मिलाया तो आपने देखिए 250 मिलीलीटर में एक मोल मिलाया तो आप एक लीटर में कितना मिलाएंगे आप यू समझिए आपको यहां जो लिखना बच्चों वो एक लीटर में कितना मिलाया वो तो मिल टू फिफ्टी में बच्चों एक मोल मिलाया मतलब एक लीटर यानी एक हजार एक लीटर बफर सॉल्यूशन यानी एक हज़ार मिली बफर सॉल्यूशन में आप इसको कितना मिला देंगे बच्चों वन इंटू वन थाउजेंड और अपॉन में कितना टू फिफ्टी सो कुल मिलाकर कितने मोल चार मोल ओरली भी आप समझ सकते थे हालांकि मेरे ख्याल से इज नॉट अ बिग डील कि साहब टू फिफ्टी में हमने एक मिलाया तो हजार में कितना चार मोल सो so, क्या हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर आ गए चार मोल और चेंज कितने का आ गया बच्चों जीरो पॉइंट टू का चेंज जीरो पॉइंट टू का आ गया बस इसको इससे डिवाइड कर दीजिए फोर को जीरो पॉइंट टू से डिवाइड करेंगे मतलब कितना आ गया बच्चों ट्वेंटी सो दिस इज़ बफ़र कैपेसिटी दिस इज़ बफ़र कैपेसिटी बफर कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चों की अगर मान लीजिए इस चेंज इन पी को मैं वन कर दूँ सपोज कीजिए अगर मैं चेंज इन पीएच को वन कर दूं तो आपने एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स मिलाए हैं

आप उसमें कितने मोल एसिड या बेस के मिलाओगे उसे आप बफर कैपेसिटी बोल सकते हो हाउ यू कैन डिफाइन बफर कैपेसिटी इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू टू चेंज चेंज बफर बाय वन ऑफ ए बफर सोलूशन ऑफ वॉल्यूम वन लीटर एक लीटर वॉल्यूम था उसका आपने उसके पीएच में चेंज कितने का लाया एक का तो जितने मोल्स लगेंगे बच्चों आप उसकी बफर कैपेसिटी उतनी के बराबर होगी नेचुरल सी बात है अगर एक का चेंज लाने के लिए आपको ज़्यादा मोल लग रहे हैं मतलब वो बफर सॉल्यूशन अच्छा तगड़ा सा है वो आसानी से चेंज नहीं आने दे रहा मतलब उसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगी और अगर एक का चेंज लाने के लिए कम मूलों में ही काम हो गया मतलब उसकी बफर कैपेसिटी कम है या यूँ कहा जाए कि चेंज ज़्यादा आ रहा है तो बफर कैपेसिटी कम और चेंज है तो बफर कैपेसिटी ज्यादा और हम लोग ये देख चुके बच्चों हम लोगों ने एसिडिक बफर सॉल्यूशन भी देखा बेसिक बफर सॉल्यूशन भी देखा हमने देखा कि अगर किसी एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पी एच पी के ए के बराबर है या किसी बेसिक बफर सॉल्यूशन का पी एच पी के बी के बराबर है तो उस बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी अच्छी होती है मैक्सिमम होती है

बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है सो बफर कैपेसिटी बेसिकली बच्चों पीएच में आने वाले चेंज का रेस्ट्रिक्शन की टेंडेंसी है अगर बफर कैपेसिटी ज्यादा अच्छा बफर सॉल्यूशन अगर बफर कैपेसिटी कम तो बेकार बफर सॉल्यूशन